ग्वालियर उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे बड़ा भाई तो किसी तरह बच गया, लेकिन उनकी एक बच्ची और पड़ोसी का बेटा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्ची की जांघ से गोली आर पार हो गई, जबकि बच्चे की पिंडली के नीचे गोली लगी है। दोनों बच्चों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हमलावर राजेश शर्मा को पुलिस ने उसकी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्चों स्वाति और बेटू यादव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचानते हो क्या उनको? हाँ सबको जानते हैं। मेरे को पता है चिंता मत करो, जिस अंकल ने गोली दी उनको जानते हो ना? ठीक हो जाओगे आप, चिंता मत करो। क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश जी, क्या घटना घटित हुई है अभी? अभी क्या घटना घटित? लड़की को लेकर के मैं उधर से आ रहा था, लड़की को लेकर के, लड़की मैंने उतार दी, लड़की आ गई, मैं घर घर घुल रहा था, घर घुल रहा था, घुलने में फिर ध्यान पांच आ गया, फिर मैं नम गया, लड़की को गोली लगी। कितने जनों को गोली लगी है? कितने जनों को गोली लगी? कौन कौन ने मारी है गोली? तो राजेश ने दी है। रायन? राजेश। राजेश कौन है? राजेश मेरा भाई है। किस बात के पीछे विवाद चल रहा है? विवाद है कुछ भी, काफी झगड़ा थे, हमारी बहू है, बहू थी, बहू के झूठे नहीं लगाता है कि मेरा लड़का तो मेरा हीरा, अभी शादी भाई 4 महीने हुए, लड़का हीरा है, बहू के संग तो ससुर सोता है, ऐसी बात करता था। जी कितने जनों को गोली लगी? 2 लोगों के, एक बच्चा यादव का, उसके पैर में लगी नीचे, उसके लड़की के टांग में लगी है। 2 जनों को गोली लगी? 2 लोगों को गोली लगी, उसका इरादा था मेरे मेरे में गोली लेना, मैं नम गया। कितने दिन का विवाद चल रहा है? 2 दिन हुए विवाद के। जिनको गोली लगी उनके नाम क्या है? लड़की का स्वाति। और लड़के का? लड़के का नाम याद नहीं, उसका पापा साथ में, लड़के का। आप कौन हो? हम पंडित हैं। और ये बच्ची वाला आपके पड़ोस में है? नहीं, बच्ची मेरे ताऊ की लड़का की बच्ची है, ताऊ की लड़का है, उसकी लड़की है मेरी। तो अभी कंप्लेंट किया है पुलिस? कंप्लेंट पुलिस कंप्लेंट किया है आपने कोई? गए थे अभी। हाँ, थाने गए, थाने तो बोले आप इसकी डॉक्टरी की, जब तक तब आके लेके आना, अभी पुलिस गई है उसको पकड़ने के लिए।